Amazon पर आपने कुछ इस टाइप की डील्स देखी होंगी, लेकिन कभी एज अ सेलर आपने सोचा है कि इन डील्स को रन कैसे किया जाए? देखिए, अगर आप Flipkart और Meesho पर ऑलरेडी सेल करते हैं ना, तो वहां पर आपको पता है कि प्रमोशन डील्स चलाना बहुत आसान है और कोई भी लिस्टिंग पर हम चला सकते हैं। बट क्या Amazon पे इतनी आसानी से ये चलाया जा सकता है? तो यस, चलाया जा सकता है। Amazon पर सिर्फ आप अपने एडवर्टीजमेंट टैब में अगर जाएंगे तो वहां पे आपको डील्स का ऑप्शन मिलेगा। डील्स के ऑप्शन में जाने के बाद वहां से आप अपने प्रोडक्ट्स पे इस टाइप की जो बेस्ट डील्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक ग्लिच है कि Amazon में अगर आपको किसी भी डील में अपने प्रोडक्ट को पार्टिसिपेट करवाना है या उस डील में अपने प्रोडक्ट को डालना है, तो उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट को उसमें एलिजिबल करना पड़ेगा। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या क्या टिप्स हैं जिनसे आप अपनी मैक्सिमम लिस्टिंग्स को Amazon डील्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, ताकि आप डील्स में उन्हें क्वालिफाई कर पाओ और उन पे ज्यादा से ज्यादा सेल्स लेके आ पाओ। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करूं। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। अब देखिए, आपने बहुत सारे डील्स देखी होंगी, जैसे डील ऑफ द डे, लाइटनिंग डील्स हो गई, बेस्ट डील्स हो गई, उसके बाद लिमिटेड टाइम डील्स हो गई। इस टाइप भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के नीचे आपने रेड इस टाइप का टैग देखा होगा कि डील्स चल रही हैं Amazon पे। अब होता क्या है, जब कस्टमर किसी कोई भी प्रोडक्ट ढूंढ रहा होता है तो वो इन डील से काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है और इन डील से काफी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। विजिबिलिटी ऑटोमेटिक Amazon बढ़ाता है, सबसे पहला फायदा तो ये होता है। अब अगर कस्टमर देखेगा तो क्लिक थ्रू से जल्दी करेगा, तो क्लिक थ्रू रेट उसमें बहुत अच्छा आता है। अब क्लिक थ्रू रेट आने के बाद कस्टमर उसमें कन्वर्ट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो कन्वर्जन अच्छा आता है एंड इनडायरेक्टली आप अपनी सेल ग्रो कर सकते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो सेलर्स रेगुलरली डील्स में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पेशली मैंने देखा है जो ब्रांड सेलर्स होते हैं वो काफी ज्यादा डील्स में पार्टिसिपेट करते हैं और कोई भी डील्स लीव नहीं करते हैं, चाहे उस डील में लॉस हो रहा हो। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर एक डील में हम लॉस करके एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उससे हमारे ब्रांड के और प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी बढ़ रही है और इनडायरेक्टली हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो जो डील्स में रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं उनकी सेल नॉर्मल सेलर से 3 गुना ज्यादा आती है। तो ये कैसे होता है? ऑब्वियसली डील में पार्टिसिपेट करके होता है। वन बाय वन टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप अपनी लिस्टिंग्स को इसमें क्वालिफाई कर सकते हो। तो पहली चीज, आपको अपने प्रोडक्ट पे प्राइम एनेबल करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको एक प्राइम सेलर होना पड़ेगा, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्राइम एनेबल्ड होते हैं, तो वहां पे डील्स में पार्टिसिपेट करने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू अदर सेलर्स। तो इस चीज का आपको सबसे पहले ध्यान देना है। अब यहाँ पर रेटिंग का भी क्राइटेरिया आता है कि आपके प्रोडक्ट पे रेटिंग कितनी चल रही है। तो 3.5 का क्राइटेरिया यहाँ पर अभी Amazon ने रखा है, आपकी लिस्टिंग पे कम से कम 3.5 की ऑन एन एवरेज रेटिंग्स होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, इसको मैं क्राइटेरिया तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर ये आपके प्रोडक्ट में है तो चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं उसका डील में क्वालिफाई होने के, तो वो है वेरिएशन। आपके प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन होने चाहिए। अब वेरिएशन क्या है, मतलब आपका प्रोडक्ट है उसके और भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं, प्लस उसमें और भी कलर वेरिएंट है, उसमें और भी साइजेस हैं, तो जितने ज्यादा वेरिएशन होते हैं डील्स में पार्टिसिपेट करने के या क्वालिफाई होने के चांसेस वहां पर बढ़ जाते हैं। साथ साथ में Amazon सेलर की हिस्ट्री भी चेक करता है कि कितने टाइम से आप सेलर हो Amazon पर। अब ये Amazon ने डिस्क्लोज तो नहीं किया है कि हम कितने पुराने सेलर्स को यहाँ पर फेवर करते हैं, बट जितना पुराना सेलर होता है उतने चांसेस ज्यादा होते हैं डील्स में आपकी लिस्टिंग क्वालिफाई होने की। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर, वो एक पॉइंट तो नहीं बट ऑब्वियस चीज है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कोई ऑफेंसिव प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, उस प्रोडक्ट में कोई भी इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स वगैरह नहीं होने चाहिए, दैट मींस किसी भी एंगल से वो प्रोडक्ट सप्रेस्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि प्राइम होना चाहिए, बट ऑल रीजंस में प्राइम होना चाहिए। कई कई बार आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट कुछ रीजन में प्राइम होते हैं, बट ऑल रीजन में प्राइम होना चाहिए और आपका प्रोडक्ट जो है वो न्यू कंडीशन वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब रिफर्बिश प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, सिंपल सी चीज। अब इसमें एक क्राइटेरिया और भी है, वो है डील फ्रीक्वेंसी की जो रिक्वायरमेंट है वो मीट करना चाहिए। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, Amazon क्या करता है कि कैटेगरी वाइज अलग अलग डील ऑफ द डे या लाइटनिंग डील या बेस्ट डील्स निकालता है, तो उस प्रोडक्ट को क्वालिफाई होना पड़ेगा लाइटनिंग डील की जो फ्रीक्वेंसी होती है टाइम टू टाइम उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और ये Amazon ने प्रॉपरली डिस्क्लोज तो नहीं किया है, बट आपको इसको भी कंसिडर करके रखना है। ऑल्सो वो प्रोडक्ट आपका कस्टमर की रिव्यू पॉलिसी जो होती है उसके तहत
भी फॉलो होना चाहिए। देखो कुल मिला के बात यह है, ये छोटी छोटी जो चीजें मैंने बताई ऑब्वियसली आपको समझ में कई बार नहीं आती है, Amazon इसको क्लियरली भी नहीं बताता है, बट मैं आपको सिंपल सी चीज बता दूं, अगर आपके प्रोडक्ट की रेटिंग अच्छी है, आप काफी टाइम से सेल कर रहे हो, प्राइम सेलर हो और आपका प्रोडक्ट की जो रेटिंग है वो अच्छी आ रही है, बेस्ट सेलर में आ रहा है, तो इजिली आप डील में क्वालिफाई हो जाओगे। आप मुझे कॉमेंट में बताना कि आपके कितने प्रोडक्ट अभी के टाइम पे डील में क्वालिफाइड दिखा रहे हैं। अब डील अगर आप चलाते हो तो इसमें नोट करने लायक कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो कि मेरी तरफ से वार्निंग होंगी आप लोगों के लिए, वो भी आप लोग गौर से समझ लीजिए। तो सबसे पहला, अगर आपने अपने प्रोडक्ट में डील लगा दी और उस बीच में उस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आई या फिर उसने कोई भी वॉयलेशन किया तो इंस्टेंटली आपका डील जो है वो कैंसिल हो जाएगा। देखिए ₹1000 से आप अपनी डील को स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे जैसे आपकी डील आगे बढ़ती जाएगी उसमें आपका पैसा लगता जाएगा, और मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट रिकमेंडेशन है। अगर आपकी लिस्टिंग डील्स के लिए क्वालिफाई होती है तो आपको जरूर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये था पहला वार्निंग या नोट करने लायक बात। दूसरी, डील्स का जो मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है ना वो क्वालिफाई हो गया, उसके बाद आपने रन करा और कई केसेस मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है कि आपने अगर कोई वॉयलेशन करा या जो अब मैंने जो भी क्राइटेरिया बताए उनमें फुलफिल नहीं हुआ उसके बाद, तो आपका जो डील है वो कैंसिल हो जाएगी और आपका जो पैसा लगा है उसपे वो भी रिफंड कई केसेस में मैंने देखा है वो नहीं होता है। अब देखो Amazon इस पे जो कहता है डील्स में ना कि कई बार क्या होगा आपकी लिस्टिंग जो है वो अब क्राइटेरिया मीट नहीं भी करेंगी फिर भी आपका जो है वो लिस्टिंग क्वालिफाइंग में आ जाएगा। तो देखिए इसके लिए Amazon काफी ऐसी क्राइटेरिया है जो डिस्क्लोज नहीं करता है, बट ये लगा लीजिए आप 90-95% जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है, 5% कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पर Amazon क्लियरली डिस्क्लोज इस चीज को नहीं करता है। अब अगर आप डील्स लगाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट पे तो सीधे आप जा सकते हैं एडवर्टीजमेंट पे, एडवर्टीजमेंट में आप जा सकते हैं डील्स पे। डील्स पे जाने के बाद अगर आप रेगुलर डील्स क्रिएट करते हैं तो क्रिएट डील का ऑप्शन आएगा, नहीं तो क्रिएट अ न्यू डील का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वहां से जस्ट आप अपने डील की जो है वो डिटेल्स फिल करते हैं, उसको कॉन्फिगर करते हैं और उसके बाद उसको QC में डाल देते हैं एंड आपकी डील जो है वो लाइव हो जाती है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि डील आपकी रेगुलर या आपके हिसाब से नहीं चलेगी, ये 6-8 घंटे का एक पीरियड रहता है जिसके लिए आप अपनी डील लाइव कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल आपको रही होगी, जस्ट हेल्पफुल लिख के कमेंट में आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं ताकि मैं Amazon पर और वीडियोस भी आप लोगों के लिए बना दूं। फर्स्ट कमेंट में मेरी टीम का नंबर दिया है, आप डायरेक्टली उनको कॉन्टेक्ट करके भी अपने अकाउंट में डील्स लाइव करवा सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन Amazon।